सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव राहुल गांधी की न्याय यात्रा में उत्तर प्रदेश में शामिल होंगे। वो रायबरेली और अमेठी में इस यात्रा का हिस्सा बनेंगे। आपको बता दें कि जल्द ही ये यात्रा यूपी में प्रवेश करेगी। अखिलेश यादव ने कुछ दिन पहले ही कहा था कि उन्हें इस यात्रा में शामिल होने का निमंत्रण ही नहीं मिला है। तब पार्टी प्रवक्ता जयराम रमेश ने कहा था कि रूट तय होने के बाद सहयोगी दलों को यात्रा के लिए हम सूचित करेंगे। आपको बता दें कि कल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अखिलेश यादव को यात्रा के लिए आमंत्रित किया और अखिलेश ने इसे स्वीकार कर लिया। अखिलेश यादव ने कांग्रेस को बधाई देते हुए निमंत्रण स्वीकार किया है और 16 फरवरी को उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने के बाद अमेठी और रायबरेली में भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने के लिए अपनी सहमति दे दी है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि मुझे आशा है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा उत्तर प्रदेश में प्रवेश करके पीडीए की रणनीति से जुड़ेगी और हमारे सामाजिक न्याय और परस्पर सौहार्द के आंदोलन को और आगे ले जाएगी। INDIA की टीम और PDA की रणनीति जीत का नया इतिहास रखेगी। समाजवादी पार्टी ने यह भी बताया कि अखिलेश यादव ने निमंत्रण स्वीकार किया है और पुष्टि भी कर दी है कि 16 फरवरी को यूपी में जैसे ही यात्रा प्रवेश करेगी तो अमेठी या रायबरेली में वो न्याय यात्रा में शामिल होंगे, अखिलेश के साथ कदम ताल करेंगे। अखिलेश यादव को यात्रा में जो निमंत्रण दिया गया है उस टिप्पणी के बाद मिला जिसमें उन्होंने दावा किया था कि उनकी पार्टी को राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा से तो भी आमंत्रण मिला ही नहीं। और सपा प्रमुख ने 4 फरवरी को पत्रकारों से भी बात की थी और कहा था कि कई बड़े आयोजन होते हैं लेकिन हमें आमंत्रित नहीं किया जाता। अब अखिलेश की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए जयराम रमेश ने यह कहा था कि पार्टी गठबंधन सदस्यों की यात्रा में स्वागत के लिए तैयार है लेकिन यूपी में इसका अंतिम कार्यक्रम अभी तय नहीं हुआ है। जैसे ही यह तय होगा उन्हें हम निमंत्रण देंगे और ठीक वैसा ही हुआ कल। अब आपको बता दें कि इससे पहले रविवार को झारखंड के धनबाद जिले से यात्रा गुजरी थी। कल ये यात्रा झारखंड से सुंदरगढ़ जिले के औद्योगिक शहर बरमित्रपुर यानी कि ओडिशा में प्रवेश कर गई। बुधवार को राहुल गांधी अपनी यात्रा फिर से शुरू करेंगे और राउरकेला शहर के उदित नगर से पानपोश चक और लगभग 3.5 किलोमीटर लंबी पदयात्रा वो करेंगे। भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत 14 जनवरी को मणिपुर के थौबल से हुई थी और 67 दिन तक ये चलेगी। इस दौरान ये यात्रा 6,700 किलोमीटर की ज़्यादा की दूरी तय करने वाली है और 15 राज्यों के 110 जिलों से होकर गुजरेगी। इसका समापन 20 मार्च को मुंबई में होगा और कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आगामी लोकसभा चुनाव से पहले 100 लोकसभा सीटें 337 विधानसभा क्षेत्र से गुजरेगी। ये भारत जोड़ो यात्रा का अगला चरण है। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने 7 सितंबर 2022 को तमिलनाडु के कन्याकुमारी से भी भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की थी। अब उत्तर प्रदेश में जब ये प्रवेश करेंगे तो ये देखना बहुत अहम होगा कि जो सियासी संकट इस वक्त इंडिया गठबंधन के लिए है उसे क्या राहुल गांधी दूर कर पाएंगे। जयंत चौधरी अलग होने की राह पर हैं, ऐसे में राहुल गांधी और अखिलेश जब साथ आते हैं तो क्या गठबंधन को ताकत मिलेगी। सीट शेयरिंग पर भी जितनी भी दिक्कतें सपा और कांग्रेस की है क्या वो दूर होंगी, इन ये तमाम बातें बहुत ही अहम हो जाती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।